बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर में एसडीएम ने बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के खिलाफ सरकारी कार्यों में बाधा डालने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसडीएम सुंदर सिंह ने कहा कि 7 दिसंबर को वे न्यायालय में दोपहर 2 बजे राजस्व वादों की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान कई अधिवक्ता उपस्थित थे। वाद संख्या 22/2 साल यानी कि 2018-19 राज बहादुर जैन बनाम उत्तराखंड सरकार अंतर्गत धारा 229B(ZA) एक्ट की पत्रावली के अवलोकन में कोर्ट के कर्मचारी संजय पटेल ने पत्रावली की आवाज लगाई। सुनवाई के दौरान वादी के बेटे रविश जैन कोर्ट में 2:15 में उपस्थित हुए और वाद को अपने पक्ष में निस्तारित करने के जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने खुले कोर्ट में मुकदमा निस्तारित करने के लिए दबाव बनाया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए एसडीएम को धमकाया और ऐसा न करने पर निकट भविष्य में परिणाम भुगतने की धमकी भी दे डाली।